सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे। तो आ गए मैं करना इतना भाई से भरी गेम प्ले वीडियो में। तो इस गेम प्ले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल। जी हाँ, बंदे हम पे आरपीजी चलाएंगे लॉन्ग में और हमें उनके आरपीजी से बचना होगा। तो ऑर्डर करते हैं पैलेट प्लाजा, लेकिन यहाँ कोई आया नहीं होता, तो जल्दी से लूट कम्प्लीट करते हैं और इधर से जा रहे होते हैं और इधर से जा ही रहे होते हैं। तभी हमें कुछ दिखा, लेकिन हमें पता नहीं था क्या दिखा। लेकिन तभी पीछे मुड़ते हैं तो फिर पूरी बाबा ये का था। मतलब भाई जो भी था बहुत बुरा था। अपने हाथ में टॉमी थी, मरने का फुल चांस। लेकिन ये नाम क्या है, बाप जी भाई साहब, पता नहीं क्या ही कर रहे थे। मतलब चेक करते हैं इन पे गन थी कौन सी। पहले तो पीपी थी, मतलब पीपी तो फिर भी ठीक थी। मेरी टॉमी से तो अच्छी थी पीपी, लेकिन भाई साहब क्या ही करें, बंदे की बैड लक और हमारा गुड एम और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो भाई साहब मारेगा। लेकिन इनके टीममेट जो कहीं से छिप छाप के हमें मार रहे हैं, तो शांति से वेट कर रहे थे कि भाई साहब एक बार दिख जाएं, जहाँ देखेंगे वहीं फेंक डालेंगे। तो देखे जा रहे थे, लेकिन भाई साहब दिख नहीं रहे होते, बहुत देर तक देखते हैं तो दिखते नहीं है। और तो अपन शांति से पीछे फॉल बैक नहीं करते, मतलब पीछे भुगते हैं दूसरे वाले घर में, वहाँ से जाके फिर ढूंढेंगे निहारेंगे बंदे को है किधर। और इधर जैसे ही आते हैं भाई साहब दिख गए, बधाई हो। तो अब देखो तो अजय भैया भी मार गया। देखो ये बात ऐसी, अपने पीक वीक करके मारा वारा नहीं जाता बिल्कुल भी, तो बहुत बुरा हो जाते हैं। इन भाई साहब के पास भी एक और लॉन्ग ही गन नहीं थी। तो शांति से जाते हैं, सेलिब्रेट वेलिब्रेट करेंगे, लूटेंगे और आगे बढ़ेंगे बंदे की तलाश में। तो इधर आते हैं शांति से, और इधर कोई बंदा बॉट बजा रहा था तो सबसे इग्नोर मारते हैं और इधर आते हैं, क्योंकि हमने इधर एक सामने बंदा देखा है। ये रे भाई साहब, तो फिर भाई साहब बच गए, क्या ही बचे हैं। मुझे लगा कि आरपीजी कहीं और चली है, लेकिन हमने ऐसे फिर भी थोड़ा उठने का कष्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई भाई साहब क्या ही आरपीजी चला रहे थे हम पे ही, तब हमें खुंदा खा रही थी कि पहले तो हमारा फायर वाला बटन नहीं दबा और फिर एक और आरपीजी आई और ये भी हमारे पास आई, फिर बच गए हम। लेकिन तो भाई ये सुनते ही हमारे में अंदर आया दिमाग, यूजिंग 100 IQ वाला दिमाग आया। हमने बोला इस पर 2 RPG बची हैं, इसकी ये भी खर्च करते हैं और फिर आगे करेंगे कुछ ना कुछ। तो सोचा था क्या करें इसे बहलाने के लिए, तो सोचा इमोटी मारते हैं, भाई साहब को खुंदक आएगी क्योंकि भाई साहब तो हमें देख रहे हैं लेकिन हम नहीं देख पा रहे। लेकिन भाई साहब तो गोलियां बांटते हैं, तो शांति से वो वाले भाई साहब सामने वाले फॉल बैक कर रहे हैं तो उन्हें भी देखना था। लेकिन भाई यहाँ से वहाँ तक एम हमारा जाएगा नहीं, इतना भी तगड़ा एम नहीं है हमारा। तो शांति से पट्टी पट्टी मार रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आता है एक बॉट जिसे हम बजा देते हैं और फिर उन्हें बजाने के लिए जाते हैं। तो भाई से 2-4 RPG बजे थे, तभी एक और RPG आई, इस बार उनके लिए आई थी, रोशन भैया की RPG। तो अपने शांति से कर लेते हैं भाई, 3 RPG ख़त्म हो गई, 3 का 4 RPG ख़त्म हो गई, 3 RPG ख़त्म हो गई, एक बची है और ये भी आ गई और ये भी अपने पास आई, ये बताई हो सारी RPG ख़त्म हो गई। पऊ पियेंगे इसी खुशी में, लेकिन एक और ड्रॉप गिरता है वहाँ पे, तो बच के रहना था इस ड्रॉप से। फिर सोचते हैं यहीं गिरा ड्रॉप, इधर आते हैं, लेकिन तभी सकते हैं सामने भाई साहब। तो फिर एक और RPG चली, मतलब दूसरे वाले ड्रॉप में भी RPG आई है, ये हमने नोटिस मैच के टाइम पे नहीं किया, अभी नोटिस किया। तो भाई साहब को बजा दिया, चलते हैं उन्हें फिनिश मारने के लिए, क्योंकि वो भी किसी को बजा रहे थे। तो संदेह से मैग वैग एक्सचेंज करते हैं और सामने आपको भाई साहब दिख जाएंगे, उन भाई साहब को हम एंड में बजाएंगे। तो ऊपर जाना था, लेकिन भाई बाहर से फुटस्टेप्स आ रहे थे, फिर अरे ई का हो गया, RPG तो जिंदा है, तो हम पे भी नेट जिंदा है। ऊपर भाई साहब रिवाइव करने तो जाएंगे ही,
और जा ही रहे हैं। तो नेट रिफ्लेक्ट करने की बेहाथ बेवकूफ़ी सोच, लेकिन अब भाई हमें पता है भाई साहब किधर हैं, हमें उनके रेंगने की आवाज़ आ गई और बिल्कुल आवाज़ आ गई है, तो चलते हैं। तो रोशन भैया बधाई हो, कितनी आरपीजी लेकर बैठे रहते हैं हमें, तो ये बताओ। नहीं पहले सामने वाले नेट कर रहे हैं, सब पहले स्मोक मारेंगे फिर लूटेंगे, कोई प्रॉब्लम चाहिए नहीं अपने को। तो शांति से स्मोक मार दिया था, अब आए थे लूटने की, क्योंकि हमें चाहिए उनकी वो वाली आरपीजी। तो आरपीजी उठाते हैं, इधर आते हैं, और हमने सामने वाला ड्रॉप भी लूटा था, लेकिन तभी हमें देखते हैं ये भाई साहब, तो उसने आरपीजी से मारे, फिर सोचते हैं माना लेजेंड भैया के पास स्टॉल किया, लेकिन क्या ही करें हम आरपीजी नहीं चलाएंगे, मतलब अपने सेफ्टी के लिए रख रखी है कि क्या पता जरूरत पड़ जाए, लेकिन सोच रखा था भाई नहीं मारेंगे आरपीजी, देख लो अभी तक आरपीजी चलाई नहीं है। तभी सामने वाला भाई साहब सोचता है जिसे हम आरपीजी से बजा सकते थे, लेकिन नहीं भाई आरपीजी से नहीं मारना, गुनाह पाप, क्या पता उसके पास स्टॉल के ना हो। तो शांति से डराते हैं, अभी तक आरपीजी एक भी देख लो एक भी नहीं चलाई हमने, दो हम पे पहले से थी और तीन हमने लूटी, मतलब चार लूटी। तो शांति से तब जा रहे होते हैं और भाई साहब की लोकेशन हमें पता थी और उन्हें हमारी भी पता थी, तो फिर बिल्कुल क्या ही उस उर्रब आई रही जो भी नाम है भाई साहब को बजा गया और मिल गया चिकन डे। हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, हमारी टीम में आ जाएगा, हमारी टीम में आगे जो अलग नया लगा सबको बताओ क्या बताएगा बाद में बताएंगे, पहले जाने का वीडियो को पूरा शेयर करने का आना। और हाँ भाई कमेंट में जरूर बताएंगे हमारा जो नया लोग है वो कैसा है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो।